Everyone, hope you are doing all good. So in previous class we have discussed standing line and sleeping line, right? हमने previous class में standing line और previous line के बारे में discuss किया था. But in today's class we are going to discuss a new topic. और वो क्या topic है आपको मैं एक story के through बताती हूँ. Okay? So let's start. देखिए, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स. ठीक है, ये जो स्टोरी है आपकी, ये दो भाइयों के बारे में है. एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है श्याम. ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम. अब क्या होता है कि दोनों क्या होता है कि एक दिन दोनों जो हैं जंगल में जा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का ना जंगल देखने का बहुत मन कर रहा होता है. तो दोनों क्या होता है, एक दिन जब जंगल जा रहे होते हैं राम और श्याम, तो वो क्या देखते हैं रास्ते में, उन्हें ना ये माउंटेन्स दिखाई देते हैं. आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो रास्ते में उन्हें माउंटेन्स दिखाई देते हैं. तो वो क्या सोचते हैं, और ये भी आप ही की एज के होते हैं, ये भी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे होते हैं. तो ये सोचते हैं, अरे मैम ने तो हमें जो था स्टैंडिंग लाइन के बारे में और स्लीपिंग लाइन के बारे में बताया था, बट यहाँ पे तो ये लाइन जो कुछ बनी हुई है ये कुछ ऐसे ऐसे करके जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी है. ये तो ना तो ये सीधी है और ना ये लेटी हुई है, मतलब ना ये स्टैंडिंग लाइन है ना ये स्लीपिंग लाइन है. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें. उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये कैसी लाइन है, मतलब इस लाइन को क्या बोलते हैं. उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होता, और उनको एक लाइन और दिख रही होती है नीचे, इसको देख के तो वो समझ जाते हैं कि भाई अच्छा ये तो स्लीपिंग लाइन है, बट ये वाली जो है और ये वाली जो है ये कौन सी लाइन है. तो वो कहते हैं कि जब हम नेक्स्ट डे क्लास में जाएंगे ना, तो हम मैम से पूछेंगे कि मैम इस लाइन को क्या बोलते हैं. अब क्या होता है, आगे चलते चलते जब वो फिर से और अंदर जाते हैं जंगल के, तो क्या होता है कि उनको दिखते हैं क्लाउड्स, और वो सोचते हैं कि भाई अब तो ज़रूर जो है वो क्या होने वाली है, बारिश आने वाली है. और हम लोग तो कुछ लेकर भी नहीं आए, हमारे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है, हम लोग तो भीग जाएंगे. ठीक है, और उसी टाइम क्या होती है, उसी टाइम जो है वहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है. अब बारिश भी कैसे पड़ रही होती है उनके ऊपर, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी. फिर वो सोचते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, आज हमने जो माउंटेन देखा वो भी कुछ ऐसा ही था, मतलब ना तो वो स्टैंडिंग लाइन से बना था ना वो स्लीपिंग लाइन से बना था, बट ऐसे ही कुछ अजीब सी टेढ़ी सी लाइन से बना हुआ था. अब उनको समझ नहीं आता, अब वो फिर से कन्फ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं कि हमें इस डाउट को क्लास में जाके क्लियर करना पड़ेगा. अब क्या होता है, अब नेक्स्ट डे जब वो बच्चे जो हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्लासरूम में पहुँचते हैं, तो वो अपनी टीचर से पूछते हैं कि मैम हमने ना माउंटेन देखे थे, और हमने क्या देखा था, रेन होते हुए भी देखी थी, बट वहाँ से जो थी लाइन जो थी वो कैसे आ रही थी, वो स्ट्रेट नहीं थी, जबकि वो बिल्कुल ऐसी टेढ़ी सी बनी हुई थी. ठीक है, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी सी थी, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं. फिर मैम हमें बताती हैं कि उन बच्चों को, राम और श्याम को बताती हैं, मैम बेटा इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लांटिंग लाइन. ठीक है, क्या बोलते हैं इस लाइन को, स्लांटिंग लाइन. ठीक है, तो अब उन्हें समझ में आता है, अच्छा ये जो माउंटेन बना था विद द हेल्प ऑफ स्लांटिंग लाइन बना था. तो उसके बाद उनके जो टीचर हैं उन्हें टू टाइप की स्लांटिंग लाइन के बारे में बताती हैं. एक होता है राइट स्लांटिंग लाइन. ठीक है, राइट स्लांटिंग लाइन, और एक होता है लेफ्ट स्लांटिंग लाइन. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि राइट स्लांटिंग लाइन कौन सी होती है हमारी और लेफ्ट कौन सी होती है. तो फर्स्टली वी आर हेयर डिस्कस अबाउट राइट स्लांटिंग लाइन. ओके, अब ये राइट स्लांटिंग लाइन हमारी कैसी होती है, ये हमारी ऐसे होती है, लेट मी शो यू लाइक दिस.
अच्छा, क्यों हम इसको ऐसे बोलते हैं कि क्या मतलब, कैसे पता चल रहा है कि हमारी जो ये राइट स्टैंडिंग लाइन है? तो आपने देखा होगा बेसिकली ये लाइन जो है हमारी क्या होती है, ये हमारी कहाँ से लेफ्ट से शुरू होते 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 कहाँ पहुँचती है, हमारी राइट तक पहुँचती है। तो कहाँ आके पहुँचती है, हमारे राइट में पहुँचती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइट स्लैंटिंग लाइन। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम। लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, ओके। अभी हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारी होती है लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, जो हमारी कहाँ से शुरू होती है, जो हमारी शुरू होती है राइट से, और कहाँ पे ख़त्म होती है, लेफ्ट में। तो ठीक है, जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है वो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट। और दैट मीन्स ये हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। ओके, आई होप आपको स्लांटिंग लाइन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कौन सी लाइन बनी हुई दिख रही है, कौन सी लाइन जा रही है, आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ से शुरू हो रही है, हमारे राइट से शुरू हो रही है, होते 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 कहाँ तक जा रही है, हमारे लेफ्ट तक। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद अब हम कॉपी में से कैसे करेंगे, यस, सबसे पहले तो हम ऊपर क्या मेंशन करेंगे, डेट, यस, 14/10/2020। उसके बाद इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप टॉपिक में पहला क्या डालेंगे इसमें, राइट स्लांटिंग लाइन। ठीक है, राइट स्लांटिंग लाइन, और उसके बाद आप जो है अपनी स्लांटिंग लाइन को ड्रॉ करना अपनी कॉपी में शुरू करेंगे, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। और आपको क्या करना है, ये गैप में करना है, ये नहीं कि आपको बहुत कंजस्टेड कर दोगे तो वो अच्छा नहीं लगता बेटा देखने में, ठीक है। बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा आपको काम करना है, टाइम लगा के करो पर बहुत अच्छे से करो, और देखो जितना ज़्यादा स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक पेज, ठीक है, पूरा वन पेज आपको पूरा राइट स्लांटिंग लाइन का करना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन में आओगे, जब आप नेक्स्ट पेज में आओगे, तो आप कौन सा करोगे, तब आप करोगे लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। ठीक है, और वो आप कैसे करोगे, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन ऐसे, राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बहुत सुंदर सुंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे मत कर देना जैसे मना किया, क्योंकि आपके पास तो पूरी कॉपी है ना बेटा, मेरे पास तो यहाँ पे पूरी कॉपी नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो पूरे वन पेज में आपका राइट स्लांटिंग लाइन आएगा, और पूरे लेफ्ट पेज में आपका, सॉरी लेफ्ट पेज कह रही हूँ, सॉरी, पूरे सेकेंड पेज में आपका लेफ्ट स्लांटिंग लाइन है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।